नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा का अपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने गूगल में जाना है और अमरनाथ जी रजिस्ट्रेशन 2023 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो पहले आएगा फर्स्ट साइट को, वहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद अपने इनकी अमरनाथ जी की जो अपनी रजिस्ट्रेशन की साइट है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर दो टोल फ्री नंबर है, अगर अपने कॉल करना चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर यात्रा 2023 को सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आगे हमारे पास इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे, स्टेप फॉलो कैसे करने हैं, अपने क्या क्या इस यात्रा में कर सकते हैं, और इसके बाद लिखा है क्या क्या अपने नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं कि अपने कौन कौन यात्री यात्रा नहीं कर सकते, 13 साल से नीचे वाले और जो प्रेगनेंस लेडीज हैं 6 मंथ से ज़्यादा, वो इस यात्रा को नहीं कर सकते हैं। और इनके अलावा अपने पास फ़ोटो आईडी और सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आई एग्री पर क्लिक करके अपने आगे सबमिट करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पर जो अपने यात्रा का वे है, दो रास्तों से जा सकते हैं, बालताल और दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं। जो अपना यात्रा अपने करना चाहते हैं जिस रास्ते से, उसको सिलेक्ट करेंगे। पहलगाम से सिलेक्ट करना चाहें तो पहलगाम कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ यात्रा, अपने किस तारीख को यात्रा पर जाना है उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे अब यहाँ पर 27 जुलाई का है, इसमें कई स्लॉट अभी ओपन हैं, लेकिन हमने 5 अगस्त को जाना है, इसलिए हम 5 अगस्त की यात्रा चूज़ कर रहे हैं। इसमें भी सीट अवेलेबल हैं। इसके बाद अपने स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर अपना नेम, फादर नेम और जेंडर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद आगे अपने जीमेल आईडी डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी सूचना यह है कि आधार नंबर एक बार डाल दिया वो ना तो उसके बाद डिलीट होगा, ना ही उसको अपने एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आगे अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं हो रही तो अपने दोबारा से स्टेट को चेंज करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पर दोबारा आएंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ नेक्स्ट किन में अपना जो मदर या फादर का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर ब्लड ग्रुप डालना होगा, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो डाला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अपना परमानेंट एड्रेस है, जो आधार कार्ड में अपना एड्रेस है वो डाला जाएगा। यहाँ पर जो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट बना है उसकी डिटेल डाली जाएंगी, हमारी स्टेट है राजस्थान, और लोकेशन डाली जाएगी, आपने डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पर गंगानगर सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद आगे ऑल CHC या डिस्ट्रिक्ट CHC हॉस्पिटल का है, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट से करवाया तो वो, नहीं तो ऑल CHC में सेलेक्ट करेंगे। आगे जो डॉक्टर ने हमें बनाई है उसका ओहदे का नाम डालेंगे। इसके बाद हमें फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करना है अपना, और यहाँ पर फ़ोटो शो हो जाएगा। इसके बाद जो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट करेंगे, और ये ध्यान रखना है कि ये 1 MB से कम होने चाहिए। इसके बाद थोड़ा आगे आएंगे, दोनों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड डाला जाएगा। कैप्चा कोड बहुत ही ध्यान से डालना है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होने पर इसको दोबारा से फिल करना पड़ता है। आई एग्री पर करके अब इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो डेट है, जिस डेट को सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो डालेंगे। और यहाँ पर इसने एरर दे दी कि जो आपकी फ़ाइल है वो 1 MB से ज़्यादा है, इसके लिए अब हम इसको कंप्रेस करके दोबारा से सबमिट करेंगे। इसके बाद सर अपने डिटेल्स फिल करने के बाद हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद यात्री का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और OTP वह मोबाइल और मेल आईडी पर जा चुका है। इसके बाद हमने क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर आ गया होगा, वो डालकर यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, और जो मोबाइल पर अपने OTP प्राप्त हुआ है वो यहाँ डाला जाएगा। इसके बाद नीचे दोबारा से कैप्चा कोड डाला जाएगा और इसको सबमिट करेंगे दोबारा से। OTP अभी हमारे पास नहीं आया है, इसलिए हम OTP का वेट कर रहे हैं। OTP डालने के बाद सबमिट कर दिया जाएगा, और ये अभी तक ऑनलाइन इसकी परमिशन हमें नहीं मिली, इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे।
दोबारा डिटेल डालने पर ये देखिए साथियों वेरीफाई हो चुका है हमारी यात्रा को और इसकी पेमेंट करेंगे। अब हम प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दोबारा से फिल करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे। और इनका पेमेंट का गेटवे है वो HDFC बैंक है, अपना कोई भी बैंक हो लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने गूगल पे फ़ोनपे किसी भी चीज़ से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा नाम और डिटेल्स आ चुकी हैं। इसके बाद नीचे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे। आई एग्री पर टिक करके आगे पेमेंट जो भी अपना मेथड है पेमेंट का वो चूज़ करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहें या गूगल पे फ़ोन पे किसी से भी करना चाहें, UPI पेमेंट करनी है तो UPI पे क्लिक करके, गूगल पे करना चाहो फ़ोन पे करना चाहो तो यहाँ पर आपको जो अपनी UPI ID है वो डालनी पड़ेगी। और इसके बाद जो इसका नोटिफिकेशन है वो अपनी UPI ID पे चला जाएगा और वहाँ से हम अपनी पेमेंट को डन करेंगे। अपना UPIN लगा कर पेमेंट डन होने के बाद यहाँ पर जो टाइम है वो आना बंद हो जाएगा और पेमेंट रिसिप्ट की डिटेल शो हो जाएगी। अभी हम वेट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। और हमने पेमेंट कर दिया और थैंक यू फॉर द पेमेंट। तो ये पेमेंट हो चुकी है, ये 220 रुपये की पेमेंट है जो हमने फ़ोन पे से की थी या गूगल पे से की थी। और इसका अपने प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं आगे की जानकारी के लिए, आगे यात्रा के लिए आगे काम आने वाली चीज़ है ये। इसके बाद अपने यात्रा को जो दोबारा से उस वेबसाइट पर जाएंगे और अपना जो यात्री रजिस्ट्रेशन का वो परमिट है उसको डाउनलोड करेंगे। इसके बाद हमें फिर से वही स्टेप फॉलो करने हैं, रजिस्ट्रेशन में जाना है और डाउनलोड परमिट पे क्लिक करना है, इंटर एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर मोबाइल नंबर, द्वारा से कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। और यहाँ पर डाउनलोड परमिट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारी पेमेंट वेरीफाई हो चुकी है और ये हमारा परमिट है जो हमें साथ लेके जाना है। इस तरह से दोस्तों हम अपनी अमरनाथ की यात्रा को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इसको हम अपने फाइल में सेलेक्ट करके PC में डाउनलोड कर रहे हैं। इसके बाद अपने हम यहाँ से प्रिंट लेकर इसको साथ लेकर जाएंगे और इसके अलावा आपकी वैलिड अपनी वैलिड ID प्रूफ भी साथ में लेकर जाना है।